Assalamualaikum dear students, this is me Aisha Fias and I am your English teacher of class 5. I hope you all are fine and in good health. Today you are going to learn and write question answers of unit number 17, lesson number 1. But first of all, get your notebook ready to mark the lines, mention date, classwork and day, write unit number 17, lesson number 1, mention topic, and our topic is the time capsule. Let's see the question number 1. Which person has been in space for the longer time? खला में space में जो बहुत ज्यादा अरसे से रह चुका है आपने उसका नाम बताना है. So let's see the answer. Tony is the person who has been in space for a long time. जो है वो खला में काफी अरसे से रह चुका है. Let's see the question number 2. Which person has trained for longer? स्टूडेंट्स आपने उस इंसान का नाम बताना है जिसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ली. ठीक है, तो लेट्स सी द आंसर. टोनी हैज ट्रेन्ड फॉर लॉन्गर देन मार्क. टोनी जो है उसने ज्यादा ट्रेनिंग ली थी मार्क की निस्बत. ठीक है, क्योंकि मार्क ने सिर्फ 9 महीने की ट्रेनिंग की थी और टोनी जो है वो 12 साल की उसकी ट्रेनिंग थी, उसने 12 साल की ट्रेनिंग ली थी. सो टोनी हैज ट्रेन्ड फॉर लॉन्गर देन मार्क. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. ऑन व्हाट डे डू यू थिंक मार्क अराइव्ड ऑन द स्पेस स्टेशन. आप कौन सी तरीका आप सोचते हैं कि मार्क जो है वो स्पेस स्टेशन में, खला स्टेशन में पहुंचा. ठीक है, तो आपने वो डेट बतानी है. लेट्स सी द आंसर. आई थिंक मार्क अराइव्ड ऑन 30th अप्रैल ऑन स्पेस स्टेशन. मार्क 30th अप्रैल को स्पेस स्टेशन में पहुंचा. एंड द क्वेश्चन नंबर 4. डू एस्ट्रोनॉट गेट यूज टू लाइफ इन स्पेस As soon as they arrive. स्टूडेंट्स dear students, आपने बताना है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या उसके आदि हो जाते हैं. लेट्स सी द आंसर. नो, इट वॉज अ बिट स्ट्रेंज फ्रॉम दैट एट फर्स्ट. शुरू में या पहले बहुत अजीब दिखाई देता है या अजीब लगता है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. What does Tony do on the space station? खलाई स्टेशन में टोनी क्या करता है? Let's see the answer. Tony is a weatherman. Weatherman कहते हैं माहिर मौसमियात को जो मौसम का अंदाजा लगाते हैं. Tony एक माहिर मौसमियात है on the space station, खलाई स्टेशन पे. He is on duty to measure the weather on Earth. वो जमीन के मौसम का अंदाजा लगाने के लिए अपनी ड्यूटी पर है. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डू यू थिंक मार्क इज गोइंग टू डू ऑन स्पेस स्टेशन. आप क्या सोचते हैं कि मार्क जो था, मार्क स्पेस स्टेशन पे क्यों, क्या करने जा रहा था? ठीक है, क्या करने जा रहा है? मार्क इज गोइंग टू डू ऑन स्पेस स्टेशन, खलाई स्टेशन पे मार्क क्या करने जा रहा है? लेट सी द आंसर. मार्क इज अ टूरिस्ट इन स्पेस. मार्क जो है वो एक सियाह है. में he has not gone there with the aim of research. वो रिसर्च करने नहीं गया था, वो रिसर्च करने के मकसद से वहाँ पे नहीं गया था, बल्कि he is there just to satisfy his curiosity. ठीक है, मतलब वो सिर्फ तजस्सुस था उसे वहाँ पे जाने का, और वो इसलिए गया था, वहाँ पे वो रिसर्च करने नहीं गया था. I hope dear students you got all my points and now I'm giving you homework. Learn and write question answers of unit number 17, lesson number 1. Thank you so much. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.